Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today science class. बेटा कल का हमने जो टॉपिक पढ़ा उसको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं. हो सकता है कल की बात आपको थोड़ी सी जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्लियर नहीं हुई हो, उसको दोबारा बता रहे हैं हम. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, वेव्स मींस यू नो. तो यहां पर जो हम बता रहे हैं, फर्स्ट नंबर देखिए आप, दैट इज द टाइप्स ऑफ वेव्स. कल का लास्ट पॉइंट जहां था उसी को वापस बता रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा समझने के हिसाब से अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं. टाइप्स ऑफ वेव्स, वे वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस, साउंड वेव्स मूव प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच आर ऑफ द टू टाइप्स. तो यहां पर आप कहेंगे टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स हो गया बेटा, दैट इज द टाइप्स ऑफ द साउंड वेव्स. साउंड वेव्स सुनिए अब क्या बता रहे बेटा हम. व्हेन वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस, जब आप किसी भी चीज को वाइब्रेट करेंगे देन साउंड इज प्रोड्यूस. अब साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए टू टाइप्स होती है. फर्स्ट नंबर होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव्स. इतनी बात समझ में आ गई, ट्रांसवर्स वेव्स. फर्स्ट को बताया हमने व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और नेक्स्ट नंबर हो गया ट्रांसवर्स वेव्स. देखिए अब क्या डिफरेंस होता है इनमें. इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन is the same as the direction in which sound waves, same as the direction, same as the direction in which sound travel, sound waves is traveling. Are called longitudinal waves. Longitudinal. Longitudinal waves. मतलब क्या हुआ कि जब direction of vibration और direction of sound दोनों सेम होती हैं, उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मतलब पार्टिकल ऑफ द मीडियम और साउंड वेव्स दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तब हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. और इसका एग्जांपल होगा आपके पास, एग्जांपल साउंड वेव्स इन एयर, एग्जांपल होगा साउंड वेव्स इन एयर, ये एग्जाम्पल होगा बेटा इसका. दूसरी बात सुनना, अब हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है सुनना. इसमें ये चलेगा, इफ द
when the vibration of the particle of the medium is perpendicular, ध्यान से देखना, when the vibration when the vibration is perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation, the wave is called transverse waves. The wave is called transverse waves. That is the transverse waves. ध्यान से सुनना बेटा बात. सपोज करो आपका मतलब वाइब्रेशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रही है, तो इसको कहा जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स. और जब इसी डायरेक्शन में तो आपका वाइब्रेशन हो रहा है और इसी डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रेवलिंग कर रही है, तो इसको कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इतनी बात समझ में आई या नहीं? मतलब दो बातें हैं, लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है. जब वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अलग होता है और वो 90 डिग्री पर साउंड वेव्स अगर प्रोपोगेट होती है, तो उसको कहा जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स. एग्जाम्पल होगा वेव्स इन वाटर. एग्जाम्पल वेव्स इन वाटर. आई होप ये अब आपको कल वाला मैटर और ज्यादा क्लियर हो गया होगा. उसके बाद सुनिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना. ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, इसको हम रिमूव कर रहे हैं. प्लीज लुक नाउ, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ध्यान से देखो बेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. देखना, इफ द फ्रीक्वेंसी इज म्यू, इफ फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड टाइम पीरियड इज बाय टी एंड टाइम पीरियड is by t, then frequency mu is equal to 1 upon t, that is the reciprocal of the time period. इसलिए बात समझ में आ गई. इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं.
यहां पर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आएगी वो हर्ट्ज में होगी, और इसके बाद इसको उल्टा कर सकते हैं और टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/μ भी कर सकते हैं, और इसके जो आपके पास में यूनिट होगी दैट इज द सेकेंड। यहां पर इसकी जो यूनिट होगी वो सेकेंड होगी। इतनी सारी बात समझ में आ गई आपको? ओके, एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड टाइम पीरियड इज बाय टी, देन फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/T, और म्यू की फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी दैट इज हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज जैसे हो सकती है। अब हम इसको सपोज करो अपॉन वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या आपको टी की वैल्यू निकालनी हो तो टी इधर आ जाएगा और म्यू वापस रेसिप्रोक उसमें चला जाएगा डिवाइड में, और टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू होगी दैट इज द 1/μ, एंड देन द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज द सेकंड। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे, और टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।